हेलो व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे सेल कोट एंड सेल मेम्ब्रेन के बारे में। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सेल वॉल की बात की थी और मैंने बोला था कि सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है या तो प्लांट सेल्स के बाहर आउटर मोस्ट कवरिंग के तौर पे, और इट मे बी प्रेजेंट इन सर्टेन प्रोक्रियोट्स लाइक इन बैक्टीरियल सेल्स, साइनोबैक्टीरियल सेल्स एंड इन फंजाई। तो जितने भी फंजाई होते हैं उनमें भी आउटर मोस्ट कवरिंग जो है वो सेल वॉल है, लेकिन जो सेल कोट है, पहले मैं बात करूंगा सेल कोट की, फिर बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की। दोनों डिफरेंट हैं। सेल कोट विच इज ऑल्सो नोन एज ग्लाइकोकेलेक्स, सेल कोट इज ऑल्सो नोन एज ग्लाइकोकेलेक्स। देखो, जैसे प्लांट सेल्स में आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल वॉल, सिमिलरली इन केस ऑफ एनिमल सेल्स एक एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल प्रेजेंट होता है आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और आउटसाइड दी सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम नाम सेल वॉल नहीं देते, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल कोट या ग्लाइकोकेलेक्स। तो एक तो बात ये होगी कि सेल कोट और ग्लाइकोकेलेक्स इट इज द एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल और इट इज द कवरिंग विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ वेरियस एनिमल सेल्स। ठीक है, प्लांट सेल्स में ये नहीं होती। प्लांट सेल्स में आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल वॉल, बट इन केस ऑफ वेरियस एनिमल सेल्स देयर इज एन एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ ए कवरिंग विच इज कॉल्ड एज सेल कोट और ग्लाइकोकेलेक्स। और ये किसकी बनी होती है, इसकी कंपोजिशन की अगर मैं बात करूं तो इट इज कंपोज्ड ऑफ थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लाइको प्रोटीन्स। ये थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लाइको प्रोटीन्स की बनी होती है, एंड द ग्लाइको प्रोटीन्स आर द मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स की भी आगे डिफरेंट टाइप्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज मोनोसेक्राइड्स विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, जिनको आगे हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर नोन एज मोनोसेक्राइड्स। उनसे कॉम्प्लेक्स जो हैं दे आर कॉल्ड एज ऑलिगोसेक्राइड्स, और हाईली कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज पॉलीसेक्राइड्स। लेकिन ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या हैं, दीज आर दी मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट जो इसमें होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स में, जो कि सेल कोट के को फॉर्म करने में हेल्प करती हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं ऑलिगोसेक्राइड्स, मोनो और पॉलीसेक्राइड्स नहीं है, कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ऑलिगोसेक्राइड्स हैं। और थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हैं ऑलिगोसेक्राइड्स के साथ कंबाइन करके जो क्या बनाती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो दीज थ्री टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर कोलाजन प्रोटीन्स, जो कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन्स हैं। दूसरी आ गई प्रोटियोग्लाइकेन्स, प्रोटियोग्लाइकेन्स, एंड द थर्ड वन फाइब्रोनेक्टिन्स। तो ये जो थ्री डिफरेंट टाइप की प्रोटीन हैं, कोलाजन प्रोटीन्स, प्रोटियोग्लाइकेन्स एंड फाइब्रोनेक्टिन्स, दीज थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स अलोंग विद ऑलिगोसेक्राइड्स दे फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो मेन कंपोजिशन क्या हो गई सेल कोट की या ग्लाइकोकेलेक्स की, दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये ग्लाइकोप्रोटीनेशियस इन नेचर होता है।
और इन तीनों प्रोटीन में से कोलाजन प्रोटीन मोस्ट अबंडेंट है। नेक्स्ट है कि ये जो ग्लाइकोकेलेक्स और सेल कोट जिसको हम नाम दे रहे हैं एनिमल सेल्स में, जो ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, इट इज फर्दर स्ट्रेंथर्ड। ये जो है और भी हार्ड हो जाती है लाइक द सेल वॉल बाय द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स एंड सिलिकेट्स। तो इसमें ये चीजें भी डिपॉजिटेड रहती हैं, कैल्शियम के सॉल्ट्स एंड सिलिकेट्स, तो इनसे फर्दर स्ट्रेंथनिंग होती है सेल कोट की। अगर मैं इसके फंक्शंस की बात करूं कि एनिमल सेल में इनका क्या फंक्शन है, तो लगभग फंक्शंस सेल वॉल जैसे हैं कि इट गिव्स शेप टू दी एनिमल सेल। ये एनिमल सेल को शेप देने का काम करती है, जिस एनिमल सेल में भी ये प्रेजेंट होगी उसको एक पर्टिकुलर शेप देने का काम करेगी। सेकेंड, इट प्रोटेक्ट्स दी सेल मेम्ब्रेन एंड सेल। सेल मेम्ब्रेन को भी और सेल को भी प्रोटेक्ट करने में भी सेल कोट जो है वो रोल प्ले करती है। फिर डिफरेंट टाइप्स के जो एनिमल सेल्स हैं उनकी रिकॉग्निशन में हेल्पफुल है सेल कोट। अगर मैं रेड ब्लड कार्पसल्स यानी आरबीसीज की बात करूं, तो इन दी सेल कोट ऑफ आरबीसीज एंटीजन्स आर प्रेजेंट। एंटीजन प्रेजेंट होते हैं इन दी फॉर्म ऑफ ए एंटीजन, बी एंटीजन और ए बी एंटीजन, यानी दोनों भी हो सकते हैं। तो उनके बेसिस के ऊपर हम फिर ब्लड ग्रुप्स को नाम देते हैं। यानी अगर किसी के आरबीसीज के बाहर जो सेल कोट होगी उस सेल कोट में एंटीजन है ए, देन दी ब्लड ग्रुप ऑफ दैट पर्सन विल बी ए। अगर एंटीजन होगा बी तो उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी, और अगर दोनों होंगे तो ब्लड ग्रुप बन जाएगा ए बी। और अगर किसी की सेल कोट जो है आरबीसीज की, उसके अंदर बोथ दी एंटीजन्स आर एब्सेंट, देन इट मींस जीरो, दैट इज ओ ब्लड ग्रुप। तो उस आदमी का ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ, जिसमें कोई भी एंटीजन सेल कोट में नहीं है। फिर सेल टू सेल अडेयरिंग, एक सेल का दूसरे सेल के साथ अडेयर जो है, अडेयरेंस जो है वो सेल कोट के जरिए होती है। तो सेल कोट जो है वो अडहेरिंग ऑफ सेल्स में भी रोल प्ले करती है। तो ये डिफरेंट फंक्शंस हो गए एनिमल सेल्स में सेल कोट या ग्लाइकोकेलेक्स के। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन की। दूसरा हमारा पोर्शन था सेल मेम्ब्रेन, विच इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो किसी भी सेल में अगर हम देखें, ये मान लो मेरे पास कोई सेल है और ये सेल का ऐसे अगर मैं बोलूं कि ये न्यूक्लियस है मेरे पास, और यहां ये वेरियस काइंड की सेल ऑर्गेनलीज हैं, तो ये सारा जो मटेरियल होता है, लिविंग मैटर जो होती है सेल के अंदर, इंक्लूडिंग दिस कवरिंग, इस सारे को मैं क्या बोलूंगा? प्रोटोप्लाज्म। लिविंग मैटर ऑफ द सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। और इस प्रोटोप्लाज्म की जो ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है, इट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। इसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन क्या है? इट फॉर्म्स द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द प्रोटोप्लाज्म ऑफ ए सेल। किसी सेल के प्रोटोप्लाज्म की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। इट वॉज डिस्कवर्ड बाई श्वान इन 1832 व्हेन ही डिस्कवर्ड एनिमल सेल। जब उसने एनिमल सेल की डिस्कवरी की तो उसमें उसने ये सबसे पहले ऑब्जर्व की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी जो है वो श्वान ने की। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो वर्ड था, ये जो टर्म थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट वॉज गिवन बाई नेजली एंड क्रेमर।
इन दो लोगों ने ये नाम जो था प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिया। लेटर ऑन द वर्ड प्लाज्मा लेमा इट वॉज कॉइंड बाई प्लॉय। तो प्लॉय ने प्लाज्मा लेमा वर्ड दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम जो दिया था वो नेजली ने दिया था, लेकिन डिस्कवरी जो थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो श्वान ने की थी। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या? तो इट इज द आउटरमोस्ट बाउंड्री ऑफ द लिविंग मैटर ऑफ द सेल, एंड द लिविंग मैटर ऑफ द सेल इज नोन एज या फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ जिसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, तो उसकी ये आउटरमोस्ट बाउंड्री है। लेकिन आज हम एक कॉमन वर्ड इस्तेमाल करते हैं, दैट इज बायो मेम्ब्रेन। बायो मेम्ब्रेन, देखो हमारे पास, हमने लोअर क्लासेस के अंदर किसी सेल के अंदर डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ा है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो जितनी भी सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं, इन सेल ऑर्गेनेलीज की अपनी जो मेम्ब्रेन्स हैं उनकी केमिकल कंपोजिशन एंड बेसिक स्ट्रक्चर, प्लस इस आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द प्रोटोप्लाज्म का केमिकल नेचर एंड स्ट्रक्चर, ये आपस में एक जैसे होते हैं। तो बिकॉज ऑफ दी सिमिलरिटीज बिटवीन दी केमिकल नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ऑल दी मेम्ब्रेन्स ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज, इसलिए इन सारी मेम्ब्रेन्स को एक कॉमन टर्म दे देते हैं, दैट इज बायो मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दी मेम्ब्रेन्स ऑफ ऑल दी सेल ऑर्गेनेलीज दे आर इंक्लूडेड अंडर दी हेडिंग बायो मेम्ब्रेन। और इन सब की केमिकल कंपोजिशन भी एक जैसी है और थिकनेस भी जो है वो बेरी करती है ऑन एवरेज बेसिस 75 to 100 आर्मस्ट्रॉन्ग इन सभी मेम्ब्रेन्स की, चाहे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें या डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज की मेम्ब्रेन्स की बात करें, इन सब की एवरेज थिकनेस जो है दैट बेरीज इन बिटवीन 75 to 100 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे किसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखें, देन इट अपेयर्स ट्राई लेमिनर इन नेचर। देन इट अपेयर्स ट्राई लेमिनर इन नेचर। ट्राई लेमिनर का मतलब क्या है कि इसमें हमें थ्री डिफरेंट लेयर्स नजर आएंगी, थ्री डिफरेंट जो है वो कवरिंग्स नजर आएंगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर या बायो मेम्ब्रेन्स के अंदर, जिनमें से जो मिडिल लेयर होगी दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट लेयर, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट लेयर के तौर पे नजर आती है। एंड ऑन आइदर साइड ऑफ द मिडल लेयर देयर आर लेयर्स विच आर इलेक्ट्रॉन डेंस, जो कि इलेक्ट्रॉन डेंस है, यानी सेंटर में एक क्या नजर आती है हमें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट लेयर, और इसके दोनों साइड के ऊपर यानी ऑन आइदर साइड ऑफ दिस लेयर, मिडल लेयर के दोनों साइड के ऊपर एक एक लेयर हमें नजर आ रही है इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल की। बेसिकली बाद में जाके हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे, जब हम इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे बायो मेम्ब्रेन का, तो ये सेंटर में लेयर होगी ये लिपिड की लेयर है, एंड ऑन आइदर साइड ऑफ द लिपिड लेयर जो कि बाई लेयर होती है यानी डबल लेयर होती है, तो उसके दोनों साइड के ऊपर मोनो लेयर्स ऑफ प्रोटीन्स हम आगे पढ़ेंगे। तो मेरा बोलने का मतलब है कि अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द स्ट्रक्चर ऑफ बायो मेम्ब्रेन अपेयर एज ट्राई लेमिनर स्ट्रक्चर, यानी उसमें थ्री लेमिनी या थ्री लेयर्स जो हैं वो नजर आती हैं। सेंट्रल लेयर इज ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट मटीरियल, एंड ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल और मिडल लेयर देयर आर मोनो लेयर्स और सिंगल लेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल। केमिकल कंपोजिशन अगर हम बायो मेम्ब्रेन्स की देखें तो बेसिकली फोर डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं इसके अंदर,
और वो फोर डिफरेंट मटेरियल्स कौन से हैं? एक तो लिपिड्स होंगे, और इसमें भी मैं बता दूं कि लिपिड्स में मोस्टली फास्फोलिपिड्स होंगे, और भी डिफरेंट टाइप्स हैं लेकिन मोस्टली जो है वो फास्फोलिपिड्स होंगे, और इनकी परसेंटेज वेरी करती है इन डिफरेंट मेम्ब्रेन्स 20 to 80%। सिमिलरली प्रोटीन्स होंगी, डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स होंगी 20 to 70% के बीच में। देन ऑलिगोसैकेराइड्स जो कि एक टाइप है कार्बोहाइड्रेट्स की, तो ये 1 to 5% होंगे, और ये ब्रांच्ड किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। ऑलिगोसैकेराइड जो हैं वो ब्रांच्ड किस्म के होंगे, तो 1 to 5%, एंड अबाउट 20% जो है वो वाटर होगा इन वेरियस बायो मेम्ब्रेन्स। तो ये केमिकल कंपोजिशन में फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स होंगे। अब इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। बायो मेम्ब्रेन्स में या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड्स की प्रेजेंस होती है, इसको सबसे पहले किसने कहा? ओवरटोन, ओवरटोन नाम के आदमी ने सबसे पहले यह कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ लिपिड्स। देन गार्टर एंड ग्रेंडल, इन दो लोगों ने क्या कहा कि जो लिपिड्स होते हैं ये मोस्टली फास्फोलिपिड्स होते हैं, एंड दे हैव बाई लेयर, और इनकी डबल लेयर होती है, इनकी बाई लेयर होती है, डबल लेयर होती है फास्फोलिपिड की इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर ये जो फास्फोलिपिड हैं इनकी एम्फीपैथिक नेचर है। एम्फीपैथिक का मतलब है कि हर एक लिपिड जो है, पहली तो बात लिपिड्स मोस्टली फास्फोलिपिड्स की फॉर्म में है, और फिर ये जो फास्फोलिपिड्स हैं उनके हर एक मॉलिक्यूल के टू अपोजिट एंड्स हैं। वन एंड इज हेड एंड एंड द अदर एंड इज टेल एंड। इनमें से जो हेड एंड होता है इट इज हाइड्रोफिलिक, यानी कि वाटर लविंग एंड, और इसको पोलर एंड भी बोल देते हैं। और ड्यूरिंग दी फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट रिमेन्स टुवार्ड्स दी आउटर साइड, ये बाहर की तरफ, ये एंड्स जो हैं हेड एंड्स जो होते हैं फास्फोलिपिड्स के, ये बाहर की तरफ लाई करते हैं। वेयर एज दी टेल एंड इट इज दी हाइड्रोफोबिक एंड, वाटर रिपेलिंग एंड, और इसको नॉन पोलर एंड भी बोल देते हैं। एंड दी टेल रीजन ऑफ ईच फास्फोलिपिड लाई टवार्ड्स दी इंटीरियर, टवार्ड्स दी इनर रीजन, यानी किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन में जो ये फास्फोलिपिड्स की अरेंजमेंट होती है, तो हर एक फास्फोलिपिड का जो मॉलिक्यूल है उसका हेड रीजन बाहर की तरफ लाई करता है और टेल रीजन अंदर की तरफ लाई करता है। तो ये जब हम आगे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो उसमें आएगा। ये एक फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल की बात की है कि ये उसका हेड रीजन है और ये टेल रीजन। टेल रीजन बेसिकली फैटी एसिड्स का बना है, हेड रीजन एक अल्कोहल का बना है विच इज ग्लिसरॉल। तो अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर इसलिए ये हाइड्रोफिलिक है, और फैटी एसिड्स जो हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं इसलिए टेल रीजन जो है वो हाइड्रोफोबिक है। नेक्स्ट है प्रोटीन्स। हमने ये बात की कि बायो मेम्ब्रेन्स में मेन ये तीन कंपोनेंट हैं, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड ऑलिगोसैकेराइड। फोर्थ कंपोनेंट वाटर है। तो प्रोटीन्स की अगर मैं बात करूं, जैसे लिपिड में आया कि मेनली वो फास्फोलिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स की बात करूं तो थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन दी स्ट्रक्चर ऑफ बायो मेम्ब्रेन। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे ये बात मान के चलूं कि ये मान लो ये बाई लेयर है फास्फोलिपिड की सेंटर में, और ये सेल का अंदर वाला साइड है यानी साइटोप्लाज्म है, और ये आउटर रीजन है सेल के बाहर का रीजन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो यहां फास्फोलिपिड की बाई लेयर के इन बिटवीन यानी बीच में लाई करती हैं। तो जो विद इन दी फास्फोलिपिड
फास्फोलिपिड बाइलेयर लाई करती हैं प्रोटीन्स, दे आर कॉल्ड एज इंट्रिंसिक प्रोटीन और इंटेग्रल प्रोटीन, जो अंदर लाई कर रही हैं मेम्ब्रेन के। कुछ ऐसी होती हैं जो लाई करती हैं ऑन द सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन के बाहर सरफेस के ऊपर लाई कर रही हैं। दीज आर कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक और एक्सटर्नल प्रोटीन। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्पेक्ट्रिन एक प्रोटीन है, वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन की कैटेगरी में आती है। और एक होती हैं कुछ प्रोटीन ऐसी हैं जो आउटर से इनर सरफेस यानी थ्रू आउट दी विड्थ, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की या बायो मेम्ब्रेन की थिकनेस होगी, उसके बीच में से कह सकते हो कि दोनों साइड पर लाई कर रही हैं, ऐसी प्रोटीन्स को ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स या टनल प्रोटीन्स भी बोल देते हैं। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन या टनल प्रोटीन्स। तो ये जो थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन, और इसमें एग्जांपल दे सकते हैं ग्लाइकोफोरिन्स की, ये वन ऑफ दी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। तो जो बीच में फास्फोलिपिड बाइलेयर के लाई कर रही हैं उन्हें इंट्रिंसिक प्रोटीन बोला, जो ऑन द सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाई कर रही हैं दे आर कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एंड द प्रोटीन्स विच लाई ऑन बोथ द साइड्स और विच प्रोजेक्ट थ्रू आउट द थिकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बायो मेम्ब्रेन, दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन और टनल प्रोटीन्स। तो ये थ्री डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स होती हैं इन द स्ट्रक्चर ऑफ बायो मेम्ब्रेन्स। लास्ट में मैं बात कर रहा हूं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, और वो कार्बोहाइड्रेट्स कौन से हैं? ऑलिगोसैकेराइड्स। और ये ऑलिगोसैकेराइड्स हाईली ब्रांच्ड होते हैं एंड दे रिमेन अटैच्ड आइदर विद द प्रोटीन्स, ये प्रोटीन के साथ ऐसे अटैच्ड रहेंगे जैसे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है तो उनके साथ जुड़ गए, या ये फास्फोलिपिड के साथ जुड़े रहेंगे। अगर ये लिपिड के साथ जुड़ गए तब इनको बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड्स, तब ये बन गए ग्लाइकोलिपिड्स। अगर ये प्रोटीन के साथ जुड़ रहे हैं तो ये बन गए ग्लाइकोप्रोटीन्स, तब ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हो गए। तो ऑलिगोसैकेराइड्स आर हाईली ब्रांच्ड कार्बोहाइड्रेट्स विच रिमेन अटैच्ड आइदर विद द प्रोटीन्स टू फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन्स, एंड दे रिमेन अटैच्ड विद लिपिड्स टू फॉर्म ग्लाइकोलिपिड्स। तो ये ऑलिगोसैकेराइड्स ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, यानी ओवरऑल अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिटेल्ड स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो उसके लिए टाइम टू टाइम डिफरेंट मॉडल्स या कंसेप्ट्स जो थे वो अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए, जिसमें ट्राई लेमिलर मॉडल आता है, एक यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल आता है, इसके अलावा माइसीलर मॉडल आता है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल आता है। तो ये डिफरेंट मॉडल्स की हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।